नट खोलना सबसे पहले, उसके बाद इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हटाने बूस्टर टैंक के, जो कि ये रहे, ये सब मशीन बंद करने के बाद इसके कनेक्शन हटा देने। अब इसके कनेक्शन सारे हटा दिए हमने, तो अब ये 10 नंबर की जो टी है इसके थ्रू इसके हीटर को खोलेंगे। हीटर का ये नट, नट दिख रहा है, इससे ये टाइट होता है। नट पे ये लगाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ आ रहा है नट, इसको थोड़ा हल्का सा पुश करेंगे अंदर की तरफ। अब हीटिंग एलिमेंट को कंप्रेस करेंगे थोड़ा सा, गैसकेट की वजह से थोड़ा टाइट हो जाता है। तो इसमें कुछ पैसे से मिलते हैं? गैसकेट और ये इजीली रिमूव हो जाता है ऐसे। ऐसे हम सारे एलिमेंट्स हटाएंगे, इसके चेंज करेंगे। अंदर देख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से हमने सारे एलिमेंट हटा दिए हैं। अभी देख लीजिए इसके अंदर स्केल भी देखना होता है, अगर स्केल होता है तो फिर इसकी डिस्केलिंग करनी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कोई स्केल नहीं है, टैंक बिल्कुल क्लियर है, तो अब हम इसकी डिस्केलिंग नहीं करेंगे। इसी तरह इसमें नए हीटर लगा देंगे डायरेक्ट। फिर इसमें नए हीटिंग एलिमेंट्स हम लोग डाल रहे हैं, जैसे नया हीटिंग एलिमेंट इसमें डाला, इसको थोड़ा पीछे से लूज करके अंदर की तरफ डालेंगे। इसके आगे की एसएस की पट्टी, इसको अंदर जाने दिया और गैसकेट को अंदर दबा के टाइट कर देंगे। इसी तरह सारे हीटिंग एलिमेंट कनेक्ट करेंगे। तो बोलता है कि पूरे एलिमेंट्स हमने कनेक्ट कर दिए, तो अब इसको ऑन करने से पहले इसका बूस्टर टैंक हमें भरना होगा। अगर बूस्टर टैंक नहीं भरेंगे, ये डेड नट है, ये जो जहां हमने नीचे से खोला था इसके वहां पे लगा देते हैं। अगर बूस्टर टैंक में पानी नहीं होगा तो एलिमेंट फिर से उड़ जाएंगे, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। हमने मशीन को कर दिया है पैक, अब हम इसको बूस्टर टैंक को फिलिंग के लिए मशीन को ऑन कर देते हैं। मशीन ऑन कर दी है, अब इसका बूस्टर टैंक भर जाएगा, उसके बाद हम इसको कनेक्शन करके